गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? नाउ बी रेडी फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में हम रीड कर रहे थे बेटे सेकंड लेसन, मुनीश एट स्कूल। तो आपने कल पढ़ लिया था उनके फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, तो आपको अच्छा लगा लेसन रीड करने में। तो आज हम रीड करेंगे नेक्स्ट बुक पेज 14 से। ठीक है बेटा, बुक पेज 14 से हम रीड करना शुरू करते हैं। नाउ द टीचिंग बिगिंस। अब आपको पता है टीचर्स क्लास में आ गए हैं, गुड मॉर्निंग विश हो गई है, तो उसके बाद स्टडी शुरू हो जाती है। चिल्ड्रन 2 घंटे से पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद किस चीज़ का टाइम, 2 घंटे पढ़ने और लिखने के बाद उनका किस चीज़ का टाइम हो जाता है, प्ले टाइम, खेलने का टाइम। चिल्ड्रन गो आउट टू प्ले, बच्चे क्या कर रहे हैं, अब बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। मुनीश लाइक्स टू प्ले चेजिंग गेम। ये चेजिंग गेम का मतलब पता क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा खेल का पीछा करना, जैसे पकड़म पकड़ाई आप खेलते हो ना, ऐसे ऐसे गेम में जो उनको चेजिंग गेम खेलते हैं, जिसके बच्चे पीछे भाग के पकड़ते हैं एक दूसरे को, तो उनको बोलते हैं। तो वो मुनीश को बहुत पसंद है। आफ्टर प्ले टाइम, खेलने के बाद बच्चे क्या करते हैं बेटा, मैथ और साइंस की स्टडी करते हैं। मुनीश इज़ गुड एट मैथ, मुनीश बहुत अच्छा मैथ आता है, मुनीश को बहुत अच्छा मैथ में वो है, और उसके बाद साइंस में भी मुनीश बहुत अच्छा है। उसके बाद बेटा क्या हो जाता है, लंच टाइम। लंच टाइम में सारे बच्चे क्या करते हैं, लंच रूम में जाते हैं, उसके बाद वो अपने लंच बॉक्स खोलते हैं और इकट्ठा खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करके इकट्ठा खाने खाते हैं। उसके बाद बेटा लंच ब्रेक के बाद क्या होता है, बच्चे कहाँ जाते हैं, आर्ट रूम में। आर्ट रूम मतलब ड्राइंग, जहाँ बच्चे करते हैं। वो सब बच्चे कहाँ पर बैठ जाते हैं बेटा, एक कारपेट पे। उसके बाद सिंगिंग करते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं, पेंटिंग भी सीखते हैं, और मुनीश को पेंटिंग भी बहुत अच्छी आती है। उसके बाद बेटा क्या हो गया, आर्ट भी होगी, पेंटिंग भी होगी, डांस और सिंगिंग भी होगी। उसके बाद आ गया हमारा स्टोरी टाइम। तो बच्चे उसके बाद स्टोरी का टाइम हो जाता है, तो बच्चे कहाँ आ जाते हैं, अपनी क्लासरूम में वापस आ जाते हैं, और टीचर उनको हमेशा एक नई स्टोरी सुनाते हैं। सभी बच्चों को, आपको पता है, स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, सभी को पसंद होता है स्टोरी सुनना। उसके बाद क्या होते हैं बच्चे, कई बार टीचर तो स्टोरी सुनाती है, तो बच्चों भी कई बार बच्चे भी स्टोरी सुनाते हैं। उसके बाद लास्ट बेल हो जाती है, छुट्टी वाली जो बेल होती है, 3 o'clock हो जाती है, 3 PM। मुनीश अपने घर वापस आ जाता है, वह कुछ रेस्ट करता है और उसके बाद अपना होमवर्क फिनिश करता है। फिर उसकी मम्मा उसको हेल्प करती है उसका होमवर्क करवाने में। फिर शाम हो जाती है, मुनीश क्या करता है, अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने जाता है, और वो सारा दिन बहुत अच्छा फील करता है। तो ये बेटा आपका सेकेंड लेसन था रीडिंग का, आपने रीडिंग करनी है, और प्लस बेटा आज का ये आपका बुक वर्क है। तो ये आपने अपने बारे में लिखना, आप कब उठते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे बस आती है, आपको क्या पसंद है, आपको हेल्प कौन करता है काम करने में, आप लंच कितने बजे लेते हो। और उसके बाद ये बेटा अपोजिट वर्ड है, जो मैंने यहाँ नंबर डाल दिए, आपने नंबर वाइज देख के मैच करने और यहाँ राइट डाउन करने हैं। और उसके बाद इस ये भी मैंने जो नए वर्ड्स बनाने हैं, वो भी मैंने मैच करने के लिए आपको यहाँ लिख दिए हैं, और आपने यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। तो ये आज आपका इंग्लिश का वर्क है। पहले आपने अच्छी तरह से रीडिंग करना है लेसन को, उसके बाद बेटा ये बुक वर्क करना है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो बेटा, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नाउ डू योर इंग्लिश वर्क केयरफुली।